हेलो स्टूडेंट्स यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस क्लासेज माय नेम इज गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और अब आपकी तैयारी है फोर्थ सेमेस्टर की तो जे क्लासेस मेरिट स्टूडेंट आप सभी के लेकर आया है फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हमारे जो सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट है उन सभी की क्लासेस ठीक है तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आ, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन की देखेंगे स्टूडेंट हमारा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमको दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। उन सभी टॉपिक के बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो हमारा स्टूडेंट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है और उससे पहले हमने थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को भी पढ़ा था ठीक है जिसमें स्टूडेंट हमने आपको थर्मोडाइनेमिक और आपका मेटीरियल साइंस और आपका स्टूडेंट इंजीनियर मटेरियल था और आपका उसमें स्ट्रेन आपका था आ, फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीन्स के बारे में ठीक है जो हमने तीनों ही सब्जेक्ट आपको स्टूडेंट अच्छे तरीके से कवर कराए थे तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बने हैं और यहाँ पे हमारे जो भी कोर सब्जेक्ट हैं ठीक है मैकेनिकल के जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उन सभी के सब्जेक्ट के बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे तो अभी हम पहले हम डिस्कस करेंगे अपने अपलाइड थर्मोडाने के बारे में अब हम इसमें डिस्कस करेंगे

कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका आप syllabus, मतलब सिलेबस कुछ अलग है तो ऐसा कुछ नहीं है आपने अपने सब्जेक्ट को या कह सकते हैं अपने सिलेबस को स्टूडेंट अपडेट नहीं किया था आप सभी स्टूडेंट पीछे से पढ़ते आ रहे थे की एमई जो आपका सब्जेक्ट कोड था जो आपका स्टूडेंट टू नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन नाइनटीन का था वो अपडेट होकर आपका जो अब नया

सकते हैं जो आपके यूनिट्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हमारा चेंजिंग हुआ है ठीक है और अभी मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ए के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट कोड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रैंड्स के लिए वो आपका बीएमई है ठीक है क्या स्टूडेंट हमारा बी है और लास्ट सेमेस्टर में भी आपका बी चला था जिसके अकॉर्डिंग वहां पे स्टूडेंट हमने आपको सिलेबस जो भी था उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस कराई थी ठीक है तो अब भी हम क्या करेंगे अपना बी कोड को लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिलेबस है सिलेबस के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट ट्रेंड थर्मोडाइनेमिक जो आपने स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था वही सेम टू सेम आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपका फोर्थ सेमेस्टर में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है लेकिन हमने डिस्कस किया था कि थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमने थर्मोडायनेमिक होती क्या है और उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट टॉपिक है जो हमने बेसिकली हमने वहां पर डिस्क्राइब किए थे अब वो थर्मोडायनेमिक हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे कि अप्प्लाइड करेंगे देखेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ में हमारे मशीन है जहां पर हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन करते हैं वहां पर किस तरीके से अपना थर्मोडायनेमिक को स्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं वो सब यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका आपका कोर मैकेनिकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपका और जो भी आपके कोर सब्जेक्ट बहुत ही है और आपके आने वाले गेट एग्जाम के लिए फिर कह सकते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो आप आई की तैयारी करते हो या फिर आपके गेट के एग्जाम की तैयारी करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है है? तो साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन सी यहाँ पे यूनिट है तो एक एक यूनिट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि किस यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक को यहां पर स्टूडेंट पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे ट्यू बीटेक आप सब लोग जानते हैं फोर्थ सेमेस्टर का हमारे सब्जेक्ट है ठीक है आपका जो सब्जेक्ट कोड है बीएमई एम फोर जीरो वन जो इसका नाम है अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स ठीक है हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में तो फर्स्ट यूनिट हमको यहाँ पर दी हुई है इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल तो आपको फर्स्ट यूनिट में स्टूडेंट डिस्क्राइब करना है स्टैंडर्ड एयर साइकिल के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एयर साइकिल हमारी कौन कौन सी होती है पेट्रोल साइकिल जिसको ऑटो साइकिल डीजल साइकिल और डुअल साइकिल ये तीनों साइकिल है जिनके बारे में आपको क्या करना है डिस्कस करना है और इनके अकॉर्डिंग हमारी जो इफिशियंसी आती है एयर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या आती है या फिर हमारी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्या आती है ड्यूएल साइकिल की

तो डीजल इंजन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी साइकिल या जो भी हमको पावर मिलता है ठीक है वो हमारे क्या कहलाता है हमारा डीजल साइकिल के अकॉर्डिंग वहां पे हम देखेंगे कि हमारी क्या निकल के आती है तो इफिशियंसी ज्यादा होती है पेट्रोल इंजन की ज्यादा होती है फिर हमारी डीजल इंजन की ज्यादा होती है वो यहाँ पे स्ट्रेंड अपना डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे साथ के साथ यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो आपका ये जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे स्ट्रेंड डायरेवेशन और आपके न्यूमेरिकल काफी ज्यादा स्ट्रेंड ये आपके कोर्स सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके मार्क्स भी ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे स्ट्रेंड और बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंड टॉपिक हमारे आते हैं टर्बो

वर्किंग <coughs> के अकॉर्डिंग हमको एक पावर हमको मिलता है जिसको वन साइकिल के नाम से हम जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करू स्ट्रेंड डीजल इंजन के बारे में तो डीजल इंजन में क्या होता है हमारा केवल फ्रेश एयर इंजन के अंदर एंटर करती है तो हमारी जो फ्रेश एयर इंजन के अंदर एंटर कर रही है वो मोस्टली हम हम देख पाते हैं कि एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग जो उसका स्ट्रेन टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर एंटर करती है लेकिन ठंड के समय में हमारी जो एयर होती है काफी ज्यादा ठंडी होती है तो हम चाहते हैं कि अगर हम उस हवा को अंदर ले जाने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के अकॉर्डिंग हम 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 क्या करेंगे जो जो इंजन इंजन के 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 अंदर अंदर वॉल्व अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं इलेक्ट मैनिफोल्ड एयर को प्रोवाइड करा रहे थे उसका टेम्परेचर कुछ कम था इन अगर हम बात करें कि इस विंटर सीजन के अकॉर्डिंग तो वहां पर हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी एयर इंजन के अंदर एंटर कर रही है उसको हम गर्म करके क्यों अंदर की तरफ भेजें ठीक है जिसके अकॉर्डिंग हमारा एफिसियंसी

के बारे में क्लास में स्टूडेंट अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ठीक है तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है कि हमारे स्टैंडर्ड ईयर साइकिल क्या होती है इन सबके बारे में आपको यहां पर यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है ठीक है स्टूडेंट इसी के साथ हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है पावर साइकिल के बारे में ठीक है तो वेपर पावर साइकिल के बारे में आपको डिस्कस करना है तो वेपर पावर साइकिल आप सब लोग जानते होंगे वेपर जो हम स्टीम से जो भी हमारा जब हम अपने पानी को या फिर वाटर को हम हीटअप करते हैं उसको हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होता है वो हमारा वाप जो पानी होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वेपर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी साइकिल को ऑपरेट कर सकते हैं या वेपर यहाँ पे एक हमारा क्या सब्सटेंस है जिसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वेपर पावर साइकिल क्या है

फिर हमारा कंडेंसर होता है फिर हमारा पंप होता है जो हमारे फोर कंपोनेंट्स हमारे लगे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हाँ अपनी पावर को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो यही पूरी रेनकाइन साइकिल के जो भी कंपोनेंट्स हैं किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं किस तरीके से अपने पावर को प्रोड्यूस करना है वो सब यहां पे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो यूनिट नंबर 2 इज द वेपर पावर साइकिल एंड फ्यूल एंड कंबशन तो वेपर पावर साइकिल की पावर जो हमारा वेपर है उससे हम किस तरीके से अपनी पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरीके से अपनी पावर को जनरेट कर सकते हैं इन सब के बारे में पढ़ना है अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे रेनकाइन साइकिल के बारे में आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है कि रेनकाइन साइकिल क्या होता है व्हाट इज द रैनकाइन साइकिल वट इज द एफिशियं ऑफ द रैनकाइन साइकिल किस तरीके से हमारा ऑपरेट करता है किस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फ्यूल है तो आप लोगों ने देखा होगा कि विदाउट फूल के मतलब कहने मतलब पानी को अगर हमको हीटअप करना होता है तो विदाउट एनी हीट सोर्स के अकॉर्डिंग हम उसको गर्म नहीं कर पाएंगे तो यहां पे हम फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे फ्यूल और यहां इसका जो भी हमारा कंबशन होगा किस तरीके से हमारा फ्यूल का कंबशन होता है और कंबशन होने के अकॉर्डिंग कौन, कौन कौन सी हीट हमारी जनरेट होती है किस टाइप की हीट हमारी जनरेट होती है कितना कैलोरफिक वैल्यू हमारा क्रिएट होता है उन सब के बारे में क्या करेंगे इस वाली यूनिट में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं अपने फ्यूल के बारे में साथ के साथ उसके कंबशन के बारे में जब फ्यूल का कंबशन होगा तब हमारी हीट एनर्जी जनरेट होगी और हीट एनर्जी जनरेट होने के अकॉर्डिंग अपनी रेहनकाइन साइकिल से पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो इसके, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है डिफरेंट हमारे यहाँ पे साइकिल होती है जिनके बारे में क्या करना है आपको यहां पर डिस्कस करना है ठीक है तो इसमें हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी रीहीट सुपर हीट री रिजनरेटिव ठीक है डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है पर वेपर साइकिल होती है जिनके बारे में क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस करना है ठीक है साथ के साथ यहाँ पे बात करूंगा यूनिट नंबर थर्ड के बारे में तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है बॉयलर और कंडेंसर के बारे में तो जैसे भी मैंने आपको बताया था रैनकाइन साइकिल में हमारे फोर कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं बॉयलर स्टीम टर्माइाइन कंडेंसर और हमारा फीड पंप हमारा लगा होता है ठीक है तो यहाँ पे अब आपको डिस्क्राइब करना है कि हमारा बॉयलर क्या होता है तो बॉयलर को क्लासीफाइड करना है कि बॉयलर कितने टाइप के होते हैं किस तरीके से बॉयलर हमारा वर्क करता है किस तरीके से हमारे बॉयलर की को इंक्रीज कर सकते हैं तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है इस वाली में डिस्क्राइब करना है तो आप सब लोग जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो इस वाली क्लास में तो मतलब जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो उसमें हम आप अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं तो अगर मैं बात करूं तो बॉयलर हमारे बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं एक हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है एक हमारा वाटर ट्यूब बोलर होता है ठीक है तो यहाँ पे ऑन द वर्किंग सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो बोलर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं एक हमारा वाटर ट्यूब बोलर, एक हमारा फायर ट्यूब बोलर, ठीक है तो देखेंगे कि वाटर ट्यूब बोलर कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वाटर ट्यूबर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं ठीक है तो देखेंगे इन सब बोलर के बारे में और बॉयलर माउंटिंग क्या होती है बॉयलर एसोसरीज क्या होती है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ यहाँ पे देखेंगे कि बॉयलर की इफिस किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है यही आपका यहाँ पर क्या स्टैंड मेन

तो बॉयलर में क्या करते हैं हम बॉयलर को हीट देते हैं और हीट देने से जो हमारा वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उस वेपर को हम क्या फिर क्या करते हैं टर्बाइन में गिराते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको पावर मिलती है तो टर्बाइन के बाद हमारा जो कॉम्प्लेट लगा होता है जिसको कंडेंसर हम बोलते हैं कंडेंसर का मेन काम क्या होता है कि जो हमारी जो टर्बाइन है टर्बाइन से आने वाली जो हमारी स्टीम होती है उस स्टीम को कंडेंस करना कंडेंस का मतलब क्या होता है उसको ठंडा करना उसको वेपर जो आती है वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो आप सब लोग देख पाते होंगे अगर मैं पानी को गर्म करता हूं तो

करता हूं या कोई भी गैस है कोई भी सब्सटेंस है अगर हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है यदि उसके प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है तो वहां पे साथ के साथ के उसका टेंपरेचर भी हमारा डिक्रीज हो जाता है तो कंडेंसर में टेंपरेचर को तो डिक्रीज करते हैं साथ के साथ उसका प्रेशर भी क्या होता है डिक्रीज कर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जब वहां पे पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा जो स्टीम होती है वो हमारी लिक्विड कंडीशन में कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा लो हो जाता है लो होने के बाद हम क्या करते हैं उस पानी को लिक्विड को हमको दोबारा से बोलर में पहुंचाना होता है जिसके अकॉर्डिंग वहां पर हम क्या करते हैं फीड पंप का यूज करते हैं तो आप लोग जानते हैं आपके घरों में अपना वाटर पंप लगा होता है जिसमें आप देख पाते हैं आप मोटर कहते हैं ठीक है मोटर को क्या कहते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जो हमको वर्क उसको देते हैं ठीक है तो वर्क देने से क्या करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वही मैकेनिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं किसमें अपना हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तो वहां पर जो हमारे लो प्रेशर में हमारा वाटर एक नीचे एग्जिस्ट करता है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो फीड पंप क्या करता है लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं तो वहां पर जो हमारा लो प्रेशर में हमारा जो वाटर हमारा एग्जिस्ट कर रहा था उसके हाई प्रेशर को कन्वर्ट करके बोलर में पहुंचाना होता है जैसा कि आपके घरों में वाटर मोटर लगी होती है आपके गलियों में पानी का पाइप आता है जिसमें प्रेशर कम होता है ठीक है तो आप मोटर यूज करते हो मोटर को चलाते हो तो पानी आ जाता है भाई अगर मोटर को मैंने नहीं चलाया टोटी को मैंने खोला पानी नहीं आ रहा है लेकिन मैंने मोटर को ऑन करा तो पानी आ जाता है क्यों आ जाता है कि वो पानी को खींचने का काम करता है तो वही पानी आपको फिर आपके तो जो <clears throat>

स्टूडेंट आपका ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट आपको पढ़ने वाला है साथ के साथ हो या फिर आप आई का एग्जाम देते हो या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो इसरो का होता है डिफरेंट टाइप के जो भी इंजीनियरिंग के बेस पर हमारे एग्जाम होते हैं वहां पे थर्मोडायनेमिक या फिर कह सकते हैं ये वाला जो है इसके क्वेश्चन बहुत ही हमारे पूछे जाते तो I hope आप यूनिट नंबर जितने भी टॉपिक्स हैं उन 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 सभी 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 को 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 अच्छे से कवर करें, लेक्चर के अकॉर्डिंग देखें साथ के साथ यूनिट नंबर फाइव टॉपिक को स्टूडेंट अच्छे से कवर करेंगे ठीक है साथ के साथ देखेंगे इस के बारे में, तो में हम डिस्क्राइब करेंगे स्टीम एंड गैस नोजल्स के बारे में और स्टीम टर्बाइन के बारे में ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आपने थर्ड सेमेस्टर में फ्लूड मैकेनिक्स आपने पढ़ा था और साथ के साथ फ्लूड मशीन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो फ्लूड मशीन में हमने देखा था वहां पे भी हमारी थी? टर्बाइन थी तो टर्बाइन वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि एक हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे थे अपनी पावर को तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे यहां पे टर्बाइन तो है लेकिन टर्बाइन को किस तरीके से यूज करेंगे स्टीम हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे जो हमारे टर्बाइन है वो हमारे स्टीम टर्बाइन है लेकिन वहां वहा हमने कौन सी

अगर हम पानी को लिक्विड को हीट देते हैं और हीट देने से वो में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाने के कारण हम उसके जो प्रेशर होता है उसका हाई हो जाता है उस हाई प्रेशर से हम क्या करते हैं अपनी टर्बाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं और टर्बाइन की ब्लेड जब रोटेट करती है तो हमको एक मैकेनिकल पावर हमको प्रोड्यूस होती है और उसी मैकेनिकल पावर को यहां पे क्या करने वाले यूटिलाइज करने वाले किसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो यहाँ पे स्टीम के बारे में आपको पढ़ना है गैस नोजल्स के बारे में आपको पढ़ना है नोजल के बारे में आप सब लोग जानते हैं मैंने आपको मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया था नोजल क्या होता है नोजल एक इस तरह का डिवाइस होता है जो क्या करता है हमारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करता है तो नोजल इज ए डिवाइस विच इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी या फिर कह सकते हैं विच इज इंक्रीज द वैलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की वैलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं नोजल का यूज करते हैं तो नोजल का एरिया आप सब लोग जानते होंगे अगर मैं बात करूंगा कि एक कोई भी हमारा नोजल है उसका इनलेट एरिया का एरिया

कि अगर हमारी प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वै, वैलोसिटी की वैल्यू हमारी घट जाएगी अगर वैलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू हमारी घट जाएगी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शन हमारे होती है इस टॉपिक को या फिर कह सकते हैं इस मेथड को आपको इस ध्यान रखना है ठीक है तो देखेंगे गैस नोजल नोजल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे नोजल की को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है नोजल कितने टाइप के हो सकते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ठीक है इस टाइप से हम पे पढ़ने वाले हैं वो अपने क्लास में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली पे हमने इसके बारे में देखा नोजल के बारे में देखा कि नोजल हमारा क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में स्टीम टर्बाइन के बारे में तो स्टीम टर्बाइन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर को हम हीट देते हैं बॉयलर के अंदर तो बॉयलर क्या करता है पानी को कन्वर्ट करता है किसमें वेपर में स्टीम में कन्वर्ट करता है फिर उसी स्टीम को हम यहाँ पे लेके जाते हैं अपने

उस सब के बारे में क्या करना है स्टूडेंट पर हमको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे फ्लूड मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो टर्बाइन होती हैं दो टाइप्स की होती है, है इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन तो इसी तरीके से यहां पे भी हमको क्या करना है अपनी इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन के बारे में क्या करना है डिस्क्राइब करना है ओके स्टूडेंट गवर्निंग ऑफ टर्बाइन क्या होता है मैंने आपको मैकेनिक्स में आपको बताया था गवर्निंग ऑफ टर्बाइन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ठीक है उस जो हम कह सकते हैं कि अपनी स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है वहां पे हम क्या करते हैं गवर्नर का यूज करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं जो हम इस वाले यूनिट नंबर फोर में कवर करने वाले हैं ठीक है, है? स्ट्रेंड इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूंगा यूनिट नंबर फाइव के बारे में तो यूनिट नंबर फाइव में हमको पढ़ना है गैस टर्बाइन और जेट परपर्सन के बारे में तो अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि हमने वेपर को हमने बॉयलर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा पानी को गर्म किया जिसके अकॉर्डिंग हमने स्टीम स्टीम को 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 जनरेट जनरेट किया और इस को जनरेट करने से अपने को चलाया है ठीक है वो हमने फोर्थ यूनिट यूनिट में में डिस्क्राइब किया फिफ्थ में आपको गैस के बारे में आपको करना है। तो गैस टर्बाइन देखा होगा हम हम हमारा कोई भी जलाने, जलने वाली चीजें होती हैं अगर देखा होगा कि डीजल पेट्रोल है अगर मैं उसको जलाता हूं या लकड़ी को जलाता हूं या कागज को जलाता हूं उससे निकलने वाली जो हीट होती है वो हीट को हम क्या कहते हैं गैस कहते हैं उस गैस को हम किस तरीके से अपनी टर्माइन को चला सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी हीट होती है जो गैस होती है गैस की एनर्जी जो होती है गैस की जो हमारे प्रेस एनर्जी है वेलोसिटी एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में और वहां वहा मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग हम वहां वहा जो यूज होने वाली है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग फिर हम कह सकते हैं उसको एक थ्रस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर यूज करने वाले हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक्जाम्पल दू आपको

गैसेस को हम क्या करते हैं अपने टर्बाइन की ब्लेड्स पर हम उसको गिराते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी टर्बाइन रोटेट करती है और टर्बाइन रोटेट करती है तो उसके अकॉर्डिंग एक मैकेनिकल एनर्जी को हम डायनमो के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन उड़ने के अकॉर्डिंग वहां पर हम तार के द्वारा तो वहां वहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच पाते हैं कॉकपिट होता है उसके अंदर हमारे पैसेंजर बैठे रहते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमको देनी होती है एसी चलाना होता है लाइट हमको देनी होती है किस तरीके से इंडिकेटर हमको देने होते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी का हमको यूटिलाइज करना होता है इलेक्ट्रिसिटी हमको यूज करनी होती है

See, just say. और अपना राफेल राफेल है डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है स्टूडेंट यहाँ पे जेट है जिसको जेट के नाम से जाना जाता है इनकी वैलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि साउंड की वैलोसिटी से भी ज्यादा इनकी जेट जेट की वैलोसिटी होती है आप लोगों ने देखा होगा जो फाइटर जेट्स होते हैं फाइटर हमारे आ, हमारे प्लेन्स होते हैं जो इंडियन आर्मी या फिर कह सकते हैं एयरफोर्स में उसको यूज किया जाता है उन सबके बारे में क्या करना होगा यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क्राइब करना होगा यहाँ पे क्या होते हैं जो हमारा गैस इंजन होता है जो जेट टर्बाइन गैस टर्बाइन होता है गैस टर्बाइन की इफिशियंसी को किस तरीके से इंक्रीज किया सकता है वो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे जेट प्रपल्सन में पढ़ने वाले हैं तो ये हमारे क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं जो हमको इस वाले सिलेबस में कवर करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिलेबस है इसका जो सब्जेक्ट कोड है बी एम है तो स्टूडेंट सिलेबस कोड के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट को पढ़ना है ठीक है पीछे वाला के एम ई था जो आपको नहीं पढ़ना है ठीक है साथ के साथ आपका सब्जेक्ट करना है अपलाइड थर्मोडाइनेमिक्स जो आपको यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिस्क्राइब करना है और अपलाइड थर्मोडाइनेमिक्स में आपकी स्टूडेंट फाइव यूनिट है फाइव यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने है वो हमने आपको यहां पर डिस्क्राइब करके बता दिया है फर्स्ट यूनिट में आपको डिस्क्राइब करना है एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में सेकंड यूनिट में आपको स्टूडेंट डिस्क्राइब करना है अपने वेपर पावर साइकिल के बारे में साथ के साथ यहाँ पे फ्यूल एंड कंबशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है थर्ड यूनिट में आपको स्टूडेंट डिस्कस करना है बॉयलर एंड कंडेंसर के में फोर्थ में आपको डिस्क्राइब करना है के बारे में और साथ के साथ के पर स्टीम टर्बाइन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और यूनिट नंबर में आपको डिस्क्राइब करना है गैस के बारे में साथ के साथ आपको तो जेट हमको पढ़ने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट अपना जो अप्लाइड थर्मोडानेमिक्स का हमारा जो सिलेबस था उन उसके बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया अब नेक्स्ट यूनिट में हम स्टूडेंट डिस्क्राइब करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट से अपना जो भी टॉपिक होगा उसको हम स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगा देखो यहाँ पे आपने देखा होगा सब स... जो सब्जेक्ट मतलब बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं किस तरह हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है फिर किस तरीके से हमारा फोर्थ सेमेस्टर को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप